नमस्कार, मैं हूं दिव्या। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी ने कांस्टेबल ड्राइवर के 545 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अंतिम तारीख 8 अक्टूबर 2024 है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास 10वीं पास और वैध भारी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए। सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है। चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण, लिखित परीक्षा और मेडिकल जाँच शामिल है। भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ 119 रन की नाबाद पारी खेलकर अपनी जगह बना अगले 10 मैचों में पक्की कर ली है। हालिया संघर्ष के बाद इस शतक ने उनके टेस्ट करियर में नया मोड़ ला दिया है, जिसमें अब 25 मैचों में 1492 रन है। व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को हैकर्स से बचाने के लिए लिंक्ड डिवाइस फीचर का उपयोग करना चाहिए। अननोन मैसेज या असामान्य गतिविधियों की स्थिति में उपयोगकर्ता अपने डिवाइस पर लॉगिन अकाउंट्स की जांच कर सकते हैं और अनाधिकृत डिवाइस से लॉग आउट कर सकते हैं। बजाज ऑटो ने बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च की है, जो दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल है। इस बाइक में ड्यूअल फ्यूल विकल्प है, जिससे राइडर CNG और पेट्रोल के बीच स्विच कर सकता है। ये CNG मोड में 200 किलोमीटर और पेट्रोल में 130 किलोमीटर रेंज देती है। बजाज का दावा है कि ये ईंधन की लागत में 50% तक की बचत कर सकती है। इसकी कीमत 94,995 रुपये से शुरू होती है, जो इसे किफायती बनाती है। 22 वर्षीय अनुष्का सेन को कोरिया और भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने ऑनरेरी एम्बेसडर ऑफ कोरियन टूरिज्म के रूप में सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने में योगदान दिया है। उनके सोशल मीडिया पर 50 मिलियन फॉलोअर्स हैं और अब वे हाल ही में दिल दोस्ती डिलेमा की सफलता को एंजॉय कर रही हैं। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक का तलाक हो चुका है, लेकिन हार्दिक की पर्सनल लाइफ चर्चा में है। हाल ही में हार्दिक का एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने बेटे अगस्त्या के साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे थे। पश्चिम रेलवे ने 5,066 अप्रेंटिस पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें फीटर, वेल्डर, कारपेंटर, पेंटर, टर्नर और इलेक्ट्रीशियन शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार 10वीं कक्षा और संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट के साथ आवेदन कर सकते हैं। कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2024 है और आवेदन शुल्क 100 रुपये है। आयु सीमा 15 से 24 वर्ष है, जिसमें वर्ग के अनुसार छूट मिलेगी। अभिनेत्री रूपाली गांगुली एक कार्यक्रम के बाद स्कूटी पर बिना हेलमेट के देखी गई, जिससे उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया गया। वीडियो में उन्हें अपने मैनेजर द्वारा चलाई जा रही स्कूटी पर बैठे हुए देखा गया, जिससे यूजर्स ने उनकी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए आलोचना की है। एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, इस पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स वो चर्चित विषय होते हैं जो बड़े पैमाने पर चर्चा में आते हैं। ये हैशटैग के उपयोग ट्वीट्स की संख्या और एक्स के एल्गोरिदम द्वारा निर्धारित होते हैं, जिसमें जागरूकता बढ़ती है और लोगों को ध्यान आकर्षित होता है। केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए नेशनल स्पेस क्विज आयोजित की है, जिसमें अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। प्रतिभागी 1,00,000 रुपये तक के पुरस्कार जीत सकते हैं। क्विज 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर आयोजित की जा रही है। सभी नागरिकों के लिए ये एक मजेदार और शैक्षणिक अनुभव होगा। भाग लेने के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आजकल सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं, जिससे गोल्ड लोन लेना आसान और लाभकारी हो गया है। बढ़ी हुई कीमतों के कारण उधारकर्ताओं को अधिक लोन मिल सकता है। RBI के अनुसार बैंक 75% तक का गोल्ड लोन देते हैं। भारत में कुल गोल्ड लोन बाजार 18,00,000 करोड़ रुपए का है और 2023 से 2028 तक 6.80% की वृद्धि की उम्मीद है। हाल ही में राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म करने पर बयान दिया था, जबकि कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल का एक कथित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस का लक्ष्य आरक्षण समाप्त करना है। फैक्ट चेक से पता चला है कि वेणुगोपाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश बताया और पार्टी ने आरक्षण के समर्थन की रिफॉर्मेशन की है। भारत में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते CNG वाहनों की मांग बढ़ रही है। मारुति सुजुकी की टॉप 3 सस्ती CNG कारें हैं, जिसमें वैगनार CNG 32.52 से 34.05 किलोमीटर प्रति किलोग्राम माइलेज देती है। इसकी कीमत 6.42 से 7.23 लाख के करीब में है। सिलेरियो CNG 34.43 किलोमीटर प्रति किलोग्राम माइलेज देती है, जिसकी कीमत 6.69 लाख रुपये है।
आज की तेज जिंदगी में तनाव और डिप्रेशन आम समस्याएं हैं। इससे निपटने के लिए योग बेहद फायदेमंद साबित होता है। नियमित योगासन जैसे सुखासन, अधोमुख स्वनासन और बालासन मानसिक शांति और सेरोटोनिन स्तर बढ़ाने में मदद करते हैं। सुखासन में गहरी सांस लेना, अधोमुख स्वनासन में शरीर को उल्टे वी शेप में लाना और बालासन में जमीन पर झुकना तनाव और डिप्रेशन को कम करने में सहायक है। उत्तर प्रदेश में 750 किलोमीटर लंबे गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे को हरी झंडी मिल गई है, जो पूर्वी यूपी को पश्चिम यूपी और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा से जोड़ेगा। ये मौजूदा दूरी 910 किलोमीटर को 140 किलोमीटर कम कर 9 घंटे में तय करेगा। गोरखपुर का ये तीसरा एक्सप्रेसवे होगा जो कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा और राज्य की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा ने सिनेमा घरों में 100 दिन पूरे कर लिए हैं और अब ये नेटफ्लिक्स पर भी उपलब्ध है। फिल्म ने 20 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले 107 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। पहले जवान में विलेन का रोल निभाकर चर्चा में आए सेतुपति का ये 50वां प्रोजेक्ट है। कर्ज और कैश संकट में फंसी वोडाफोन आइडिया ने नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ 3.6 अरब डॉलर की डील की है। इस डील के तहत कंपनी अपने 4G और 5G नेटवर्क को विस्तार करेगी, जिससे 120 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। कंपनी ने हाल ही में 24,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं और नए उपकरण ऊर्जा की बचत करेंगे, जिससे ऑपरेटिंग लागत कम होगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट के बदले 5 लाख रुपए दे रहा है। RBI ने इस दावे को खारिज किया और चेतावनी दी है कि ऐसे फर्जी तरीके से पुराने नोटों की खरीद फरोख्त की जा रही है। विशेषज्ञों ने पुराने नोटों की बिक्री में धोखाधड़ी का खतरा बताया है। ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के खिलाफ 109 रन की पारी खेलकर टेस्ट क्रिकेट में वापसी की है, जो उनके करियर का 6ठा शतक है। पंत ने कहा है कि वो टेस्ट में सबसे सहज महसूस करते हैं और चोट के बाद खेलना उनके लिए भावनात्मक रहा है। भारत ने मैच 280 रन से जीता है। सीताराम येचुरी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हो रहा है कि वे ईसाई थे, क्योंकि उनका शव ताबूत में रखा गया था। मीडिया खबर के मुताबिक येचुरी नास्तिक थे और उन्होंने कभी धर्म का पालन नहीं किया। उनका शव मेडिकल रिसर्च के लिए एम्स को दान किया गया था और अंतिम विदाई में कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हुए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने महिलाओं को वित्तीय सहायता का वादा किया है। भाजपा ने हर महिला को 2,100 रुपये और कांग्रेस ने 2,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार यदि ये वादे लागू होते हैं तो राज्य पर सालाना 20 से 21 हज़ार करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जो GDP का 1.7% होगा। इससे अर्थव्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ेगा। सोलर पैनल पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है, जो बिजली बिल कम करने में मदद करते हैं। इनके स्थापना से पहले बिजली लोड स्थान, प्रकार और ब्रांड की जानकारी होनी चाहिए। 2 किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल से 8 से 10 यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। गाड़ी की चाबियों को खोने की चिंता अब नहीं रहेगी, क्योंकि एक नया डिवाइस जिसमें QR कोड वाली की रिंग शामिल है आपकी मदद कर सकता है। अगर कोई आपकी चाबी पाता है तो वो QR कोड स्कैन करके आपके नंबर पर कॉल कर सकता है। ये तकनीक अन्य कीमती सामान जैसे स्मार्टफोन और हेलमेट के लिए भी उपयोगी है। वृंदावन मथुरा धार्मिक स्थलों का प्रमुख केंद्र है, जहां बांके बिहारी मंदिर के अलावे कई अन्य मंदिर भी दर्शनीय हैं। राधा रमन जी मंदिर का अग्निकुंड 500 साल से जल रहा है। बंसीवट वह स्थान है जहां कृष्ण बंसी बजाते थे। गोपेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव गोपियों के रूप में विराजमान है। अगर आप कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो ये प्राचीन और रहस्यमय मंदिर दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। लंबे समय तक बैठने से मोटापे और धूम्रपान के सेवन से स्वास्थ्य खतरे बढ़ते हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक डॉक्टर्स बताते हैं कि 8 घंटे से अधिक बैठने पर मृत्यु का जोखिम भी बढ़ता है। वे प्रतिदिन 60 से 75 मिनट की शारीरिक गतिविधि और हर 30 से 35 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेने की सलाह देते हैं, ताकि स्वास्थ्य पर परे दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। घोस्टिंग तब होती है जब कोई व्यक्ति अचानक बिना किसी कारण के आपसे दूरी बनाने लगे। ये अक्सर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। घोस्टिंग के संकेतों में अचानक बातचीत बंद करना, संदेशों का जवाब ना देना, बार बार योजनाएं टालना, सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर भी अनदेखा करना और दोस्तों से दूरी बनाना शामिल है। अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो उस व्यक्ति से आपको दूरी बनाना बेहतर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC ने प्रोफेसर, सह प्राध्यापक, सहायक प्रोफेसर और वरिष्ठ निवासी के 104 पदों के लिए भर्ती का नोटिस जारी किया है।
आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए 225 रुपए जबकि एससी एसटी और अन्य श्रेणियों के लिए निःशुल्क है। वॉक इन इंटरव्यू 24 सितंबर 2024 को होगा। उम्मीदवारों को एमबीबीएस पीजी डिग्री की आवश्यकता है और आयु सीमा विभिन्न पदों के लिए अलग है। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उदयपुर झीलों के शहर अपनी डांट से मेहमान नवाजी और शानदार होटल्स के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ताज, लेक पैलेस, ओबेरॉय, उदय विलास, लीला पैलेस, राज देवगढ़, रेडिसन ब्लू और ट्राइडेंट जैसे कई आलिशान होटल शामिल हैं जो राजपूती वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं का संगम पेश करते हैं। इन होटलों में ठहरने के लिए कीमतें 10,000 रुपये से लेकर लाखों रुपये तक में हो सकती है, जो हर यात्री को एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है। इस महीने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार में लगभग 33,700 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जो इस साल का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती और भारतीय बाजार की मजबूती के कारण एफपीआई ने लगातार खरीदारी की है। जून से अब तक का उनका कुल निवेश 76,572 करोड़ रुपये पहुँच चुका है। भारतीय बाजार मजबूत मूल्यांकन और वित्तीय स्थिरता के चलते एफपीआई के लिए आकर्षक बने हुए हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी भारत का पहला नियोजित शहर है, जिसे 18 नवंबर 1727 को महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। इसे बंगाली वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने डिजाइन किया था। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है क्योंकि 1876 में से इंग्लैंड के शाही मेहमानों के स्वागत के लिए गुलाबी रंग से सजाया गया था। आज ये शहर अपने ऐतिहासिक महत्व और खूबसूरती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कॉमेंट किया था उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, अमरजीत यादव, सपना कुमारी, राम मोहित कुमार, राम बाबू दास, नौसाद, रजा धनंजय कुमार, बाबूलाल मरांडी, छोटे लाल। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, तनाव से बचने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।